देखो मेरा प्लानिंग कुछ ऐसा है कि पहले तो मैं क्या करूंगा, ये जो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको कंप्लीट कर लूंगा। और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देखो आप पहले हार्ड काम कर लेते हो उसके बाद आसान करते तो ऑब्वियसली बात है मज़ा आता है करने में। तो वही चीज़ करने वाला हूँ मैं, क्या करूँगा पहले भाई मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट करने वाला हूँ और उसके बाद फिर अपना हिंदी और कृतिका वगैरह जो भी पेंडिंग वर्क से लिखने का काम है तो लिखने का आप कैसे भी कर सकते हो तो वो मैं करने वाला हूँ अभी। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वैसे सुना है कि भाई बहुत आसान चैप्टर है, लगभग आपके आंसर वन आंसर जो है मतलब कोई भी आंसर एक सेंटेंस ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, तो इसलिए मैं पहले ये पढ़ना चाहूँगा और देखते हैं भाई इस चैप्टर के अंदर ऐसा क्या खास है। पढ़ना था भाई मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और एज यू ऑल नो कि भाई मैंने ऑलरेडी भाई चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया था, बिकॉज यार मुझे चैप्टर जब भी मैं पढ़ता हूँ स्टार्टिंग में तो वन शॉट देख लेता हूँ 30 मिनट्स का, तो उसमें कुछ हद तक चैप्टर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पता चल जाता है, फिर पढ़ने से थोड़ा आसानी होता है। तो मैंने भाई एक्टिविटीज़ वगैरह ऑलरेडी भाई क्लास में टीचर ने समझा दिया है तो इसलिए मैंने एक्टिविटीज़ पर उतना फोकस नहीं किया और मैं डायरेक्ट लाइन टू लाइन अपना पैरा जो है वो पढ़ रहा था। मैंने ऑलरेडी भाई जब टीचर ने पढ़ाया था तो यार मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन वगैरह भी कर लिया था तो आसानी से समझ आते जा रहा था, इसमें मुझे उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा नहीं, सब कुछ एक्सप्लेनेशन लगा। बाकी मुझे ये जो चीज़ है थोड़ा सा गड़बड़ लगा क्योंकि यार ये मुझे उतना कुछ समझ आया नहीं अच्छे से, तो वो चीज़ मैं अगर फिर से पढ़ दूंगा। बाकी यार आपको अगर मैं बताऊँ ये फ्लेमिंग्स का जो अपना लेफ्ट हैंड रूल है ये मुझे भाई बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप सही है यार आपको अच्छा सा सही चीज़ देखने को मिल जाता है। इसके बाद यार अपना डोमेस्टिक सर इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स था और मैग्नेटिज्म एंड मेडिसिन दोनों पढ़ लिया। मुझे भाई ये चैप्टर सच में बताओ तो भाई बहुत मज़ा आया पढ़ने में, बिकॉज बहुत नई नई चीज़ भी सीखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। फाइनली आई हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर और ये जो चैप्टर है भाई बहुत ही मज़ेदार है। देखो और अगर सही मायने में बोलूँ तो भाई जो भी लोग बोलते हैं चैप्टर के बारे में सही है क्योंकि यार सीनियर से ऑब्वियसली बात है तो वो लोग सही बोलेंगे। मेनली आपको इस चैप्टर से वन वर्ड आंसर ज़्यादा देखने को मिलते हैं और मैंने चेक भी किया इसका आंसर्स वगैरह कुछ क्वेश्चंस वगैरह सारे का आंसर भाई वन वर्ड के अंदर देखने को मिल जा रहा है। मतलब आपको बेसिकली रूल पूछ दे रहे हैं या फिर आपको पूछ दे रहे हैं कि ये अगर आपका डायरेक्शन है तो इस मोशन क्या ऐसा होगा, आपको हाँ ना में आंसर करना है, ट्रू फॉल्स में आंसर करना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह तो नहीं है और बेसिकली कुछ दो तीन जो है वो आपके फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, जस्ट कुछ लॉज वगैरह भी बोल सकते हो आप या फिर आप उसको कैसे समझे कि आपका बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, इस तरीके से भी बहुत सारा जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी यार ये जो चैप्टर भाई बहुत अच्छा है और अगर बुक के हिसाब से बात करें तो इन्वायरमेंट और बाकी ना लास्ट के दो चैप्टर्स भाई सही है तो वो चीज़ अच्छा है। बाकी ये हो गया, अब मैं करने वाला हूँ कृतिका, तो देखते हैं कितने देर में वो कंप्लीट होता है। तो गाइस फाइनली मैंने अपना कृतिका जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है और साथ में ही मैंने अपना जो इंग्लिश का फुटप्रिंट्स था वो भी कंप्लीट कर लिया है। प्रॉब्लम ये है कि मैं जो हिस्ट्री जो था वो कंप्लीट नहीं कर पाया और अभी मुझे भाई थोड़ा सा मतलब खाना भी खाना है तो वो मैं खाना खाने जाऊँगा और उसके बाद मैं आकर जो है वो हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लूँगा। तो आज का जो मेरा टारगेट था वो तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाला है। सिलेबस भाई बात कर रहे थे, सिलेबस भाई हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कल जो है भाई मुझे मतलब मेरे स्कूल में भाई थोड़ा सा हॉलीडे वगैरह भी है। हॉलीडे क्यों है अगर भाई बताऊँ आपको मैं तो कल एक्चुअल में है क्या कि यार ये जो है ना वो रीजनल लेवल पर साइंस एग्जीबिशन हो रहा है वेस्ट बंगाल पे, ठीक है। तो जो मेरा स्कूल है भाई वो जो है वो मेनली मेन सेंटर बना है और वहाँ पर भाई मतलब 53 स्कूल्स को वो होस्ट करने वाला है, तो इसलिए हमारा स्कूल पे भाई जो अपना देखो हमारा जो मतलब स्कूल में चार बिल्डिंग है तो बेसिकली जो एक बिल्डिंग है 9, 10, 11, 12 के लिए तो उसी में जो है वो होस्टिंग होने वाला है। दैट्स भाई हम लोगों का स्कूल जो है वो कल नहीं होगा तो इसलिए भाई कल अच्छा मौका है पढ़ने के लिए और जस्ट एक हफ्ते के अंदर जो अपना एग्जाम है वो भी चालू हो जाएगा, इसलिए भाई अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी मिला पढ़ सकते हो। स्कूल के स्कूल नहीं है तो ठीक है घर में पढ़ लो, बाकी स्कूल एब्सेंट करने का मन करता नहीं है तो वो ठीक है भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको अगर बताऊँ मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, मेरा प्रिपरेशन कैसा है तो जिस मैं आपको बताना चाहूँगा सब्जेक्ट वाइज तो मेरा अपना एआई का जो होने वाला है मैंने एआई पे जीरो फोकस भाई जीरो कुछ नहीं किया, जस्ट मैम जो पढ़ाती है वही मेरे दिमाग में है और मैंने अभी तक बुक वगैरह नहीं पढ़ा जो नया सिलेबस उसके अकॉर्डिंग डेटा साइंस वगैरह तो एनएलपी डेटा साइंस कंप्यूटर सब बचा हुआ है, आईसीटी स्किल्स वगैरह भी बचे हुए हैं, आईआई का पूरा ही भाई बचा हुआ आप बोल सकते हो। साइंस में बात करें तो भाई टोटल 13 चैप्टर्स है जिसमें से भाई लगभग मुझे चार और अच्छे तरीके से करने होंगे, जैसे कि हेरिडिटी वगैरह हो गया, केमिकल कंपाउंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वगैरह हो गया, फिर आपका जो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पहले इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है वो हो गया, तो इस टाइप के कुछ चैप्टर्स मुझे फिर से करने हैं। बाकी सारा चैप्टर मेरा हो चुका है और ठीक ठाक से हो गया है, मतलब मुझे उतना कुछ करना नहीं पड़ेगा मेहनत। और अगर भाई बात करें हिस्ट्री के बारे में तो इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, इकोनॉमिक्स हो चुका है, ज्योग्राफी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ज्योग्राफी भी लगभग हो चुका है, हिस्ट्री में थोड़ा मोड़ा है थोड़ा सा करना पड़ेगा, बाकी भाई पोल साइंस में बहुत कुछ करना है तो पोल साइंस को तो मुझे एक दिन निकालना पड़ेगा करने के लिए तो वो उस तरीके से हो जाएगा। अगर भाई बात करें मैथमेटिक्स का तो मैथमेटिक्स में मेरा जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है बस वही बचा है, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम जो है वो मैं कर लूँगा, बाकी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बाकी सारा चीज़ हो चुका है, इस तरीके से मेरा हो जाएगा। और इंग्लिश हिंदी आप बोल चलो कि मेरा सब कुछ हो भी है सब कुछ नहीं भी हुआ है, तो मेरा भाई हिंदी और इंग्लिश में आप लगभग हिंदी और इंग्लिश जो मैम जो पढ़ाती है वो मेरा हो ही गया है, बाकी मेरा जो खुद से पढ़ना है वो पूरा बचा हुआ है तो वो मुझे करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे भाई आराम से
मेनली मेन सिलेबस को निकालने में मेरा दो तीन दिन तो ज़्यादा ही हो गया, 4-5 दिन चाहिए मुझे, ठीक है, कम पड़ गया था वो, 4 से 5 दिन के अंदर मेरा पूरा सिलेबस और कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस सब कुछ कंप्लीट है, जस्ट होता है रिविजन करना, तो वो चीज़ बचा हुआ। आप लोग अपना कमेंट करके बता देना कि आप लोगों का कितना बचा हुआ है, और प्री बोर्ड्स का एकदम एग्जैक्ट डेट बताना कब से आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स चालू होने वाला है, प्रिपरेशन वगैरह कैसे बता देना। तो चलो यार, आज के इस ब्लॉग को मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा आपको। एक चीज़ मैं और आपके लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि अगर जिन लोगों ने मैं मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उसको जाकर चेकआउट कर लो, ठीक है, क्योंकि वीडियो के अंदर है क्या कि यार उसमें मैंने जितने भी मैथमेटिक्स क्लास 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया हर एक चैप्टर से, ठीक है। तो वो एक वीडियो एकदम देख लेना, मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, साथ में अपने लिए भी, क्योंकि देखो अपने लिए मैंने मेहनत किया, सोचा कि यार आप लोग को बता दूँ, तो जितने भी प्रीवियस ईयर 5 to 6 ईयर क्वेश्चन थे, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट मुझे भाई बहुत बार देखने को मिला, तो मैंने क्या किया था, बुक में मार्क कर लिया था, और वहीं से मैंने आपको उस वीडियो के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे बताया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या करना भाई, जाकर एकदम फटाफट से वीडियो को देख लेना, एकदम जस्ट प्रीवियस वीडियो, ठीक है, जहां पर मैंने लिखा ही बर्नड माय मैथमेटिक्स होल सिलेबस, वो वाला वीडियो जाकर देख लेना। बाकी आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, और अगर कल मैंने छुट्टी तो मैं ट्राई करूंगा 12 आवर स्टडी चैलेंज करने का। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे।